एक बात शेयर करना चाहती हूँ और मुझे इसका अभी वो वही डर भी वही नहीं है। चीजें हो रही है, पूरा घर इधर और मैं इधर। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और थैंक यू सो मच, इससे जो लास्ट व्लॉग था आपने बहुत सारा प्यार दिखाया। और देखो आज हम लोग देख रहे हैं ना कि किट्टो अपने नए घर में जा रही है, और किराए से अपने घर में जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम तो फिलहाल अपने घर में ही रह रहे थे, बट हम भी ये घर छोड़कर अपने घर में जा रहे हैं। मतलब ये घर छोड़कर, ये जब हम यहाँ रहते थे तो सारी जॉइंट फैमिली रहती थी, और अभी हम जा रहे हैं, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो दुख तो होता ही है, शादी करके यहाँ आए, बच्चे यहाँ हुए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और पता है, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे इसका कोई डर भी नहीं है, ठीक है, कि कौन क्या बोलेगा क्या कहेगा। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो गई मेरे फेस्टिवल पे ये बोलने पर कि एक साथ पूजा कर लेते हैं, एक साथ लास्ट बार त्योहार मना लेते हैं, एक साथ जो लास्ट का टाइम बताया बचा है उसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वो मैंने बोला तो अच्छा नहीं लगा, और अभी वही वही चीज़ें हो रही हैं, अभी वही चीज़ें हो रही हैं, अभी सब लोग ऐसे हो रहे हैं, सब पूरा घर इधर और मैं इधर। तो लेकिन मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम पर है। मैंने जो चाहा था, मैंने जो सोचा था कि सब लोग एक साथ अच्छे से रहें, तो हो रहा है ना, अभी सारी फैमिली एक साथ है। अगर मैं एक साइड हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी के साथ बैठूं उठूं, क्योंकि मैं अपने घर के काम करने के बाद अपनी वीडियोस में बिज़ी हो जाती हूँ, टीवी देखती हूँ। वैसे भी नॉर्मल में भी मेरे पास इतना टाइम था नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ। बाकी आगे के जो भी व्लॉग रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, फिलहाल मेरी रील्स वगैरह बन गई है, मैंने बना ली है, और 12:30 हो रहे हैं यार। अब मैं चेंज वेंज करके किचन का काम देखूंगी, सब्जी अब्जी क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है। तो इस तरह से मेरा टाइम पास हो जाता है, और बस मेरी रील्स वगैरह बन गई हैं, अब चेंज करूंगी। और मैंने दिखाती हूँ आपको, मैंने ब्लू कलर के लेंस वेयर कर रखे हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो। ये देखो, और मैं इसको निकाल लेती हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से निकालूंगी मैं। देखो, दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो आराम से निकाल लिया मैंने इसको। इसकी डिब्बी में रख देती हूँ, ये वाला भी निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अब टाइम है आफ्टरनून का, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा। मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है, पोहा और चाय। जब मेरा मन करता है तो मैं पोहा बना लेती हूँ। और देखो, पोहा हल्का भी रहता है और मुझे पसंद भी है पोहा कभी कभी, तो इसलिए मैं इतना ही बनाऊँगी, इनफ है। तो ये बन गया है मेरा पोहा। ऊपर से मैंने ना टमाटर और प्याज डाल दिया था, ऊपर से मूंगफली वगैरह बना दिया, और देखो चाय बन रही है अदरक वाली, टेस्टी टेस्टी। फ्रेंड्स, अब मैं अपना पोहा और चाय एंजॉय करूंगी। मैं पोहा और अपने लिए चाय बना के लेकर आई हूँ, मेरा मन कर रहा था। और बताओ, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात है क्या? क्या करें, लोग भगवान का नाम लेने से भी डर जाते हैं। मैं नहीं डरती, लेकिन लोग है ना भगवान का नाम लेने से भी डर जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब है इवनिंग का टाइम, तो अब मैं रूम को क्लीन करूँगी। जैसे दोपहर में बच्चे बैठे होते हैं कंबल लेके, मैं हम सब ऐसे बैठे होते हैं, तो अब हम इसको क्लीन करूँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, तो इस तरीके से मेरे काम होंगे।
यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले 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 बन गए हैं, पराठे बन गए हैं, काम हो गया है मेरा सारा। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। तो शाम का टाइम मतलब रात हो गई थी, 7:30 बजे का टाइम है। खाना हम लोग जल्दी खा लेते हैं। तो पहले मैंने पराठे बनाए, बच्चे पराठे खाएंगे, और करेले की सब्ज़ी बना दी है, रोटी बना दी है, बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दूंगी। इस तरीके से सारे काम हो मेरे जाते हैं। और आई नो थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ यार मैं, बट क्या करूँ यार, भूख लगती है, सुबह सुबह पराठे खा लेती हूँ। कोशिश करेंगे यार कंट्रोल करें। काम मेरा हो गया था, देखो कैसे हो रहे ना मेरे बाल बाल, क्योंकि मैंने ना हेयर ऑयलिंग करी थी और ना ठंड लगती है यार, इसलिए मैंने शॉल ले रखा है। और बच्चे सो गए हैं, पंखा भी चला रखा है, देखो मेरी आंखें कैसी हो रही है काली काली। पंखा भी चला रखा है क्योंकि फिर पंखा ना चला दो मच्छर लगते हैं, ठीक है। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा, तो इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। देखो कैसा हो रहा है, इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट करो यार फ्रेंड्स, 19,000 पे ही गाड़ी अटकी पड़ी है, 20K करो जल्दी से, ताकि मैं 20K का सेलिब्रेट करूँ, केक कट करूँ, मैं भी पहला सेलिब्रेशन करूँ अपने YouTube चैनल का। क्योंकि मैंने ना 5K 10K 15K किसी का कोई केक ही नहीं कट करा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 20K पे करूँ, और पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू, बाय।